अभी हम आ गया हाँ खेत में। सारा जना खेत में तो के करना आया हाँ, बस थोड़ा हा चना बो रखा है भी देखना आया हाँ। बाकी साइड ना हमने गेहूं है वे बो रखा है, बो ना रखा हमने ना बो रखा, बटाई में दे रखा है ये वाला गेहूं। और एक ये हमारा अनार का पौधा है, आगे फिर चिक्कू का है हाँ। चना देखना पड़ेगा ये के तो मम्मी ने लिया कर रख दिया हैगा, तो फिर हटावांगा तो रोज खा जाएंगा। ये शायद मम्मी के तो देखे ना आएगा। शायद अपनी जाना मम्मी बाढ़ लगा के गई है, अख ये चना ना खाएगा। मम्मी ने सोचे कि ये चना ही अपने हिसाब से बाढ़ लगा गई। खतर सूरज सनसेट सनसेट होने वाला है। मैं तो चक्कू ती लेकर आई थी मैं चक्कू ती ले चक्कू लेकर आई थी, चक्कू ती काटूंगी। सनसेट होने लग रहा है और क्या करे ना कि दिसंबर जनवरी में अपन अगर थोड़ी बहुत भी धूप मिल जाए तो औषधि का काम करा है वो, चाहे अपने लिए हो चाहे फसलों के लिए हो, सब ने ही जरूरी हो जाए है धूप। तो बस सनसेट का दिखा दिया, तो चलो एक बार फसल है वो भी दिखा दूँ। छोटे छोटे गेहूँ है, बड़ी बड़ी सरसों है, हमारी साइड तो कुछ ही सी फसल है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, टाइम के हिसाब थी सबकी, फिर बाद में तो एक साथ लावणी आनी सही। काट लिया सी हमने चना और ईवन की शाम ने बनावांगा पर चटनी, बाकी बहुत स्वाद लगेगा रहे चटनी, लेकिन आज मैं कोई खास को क्योंकि मेरा आज है फास्ट। चलो तो मैं दस अभी चलूंगा तो रहे हैं हाँ। चल लेकर थोड़ा हाँ तेरे मुंह का दो गुमड़ी गुमड़ी से लगा है बहुत ज्यादा आ रही है देख। चल आज एक रोटी तू उठा के ले चल, और बार हमेशा आपने देखा होगा हमेशा ईंधन का मैं लेके जाया करूँ, सपना कभी नहीं आती ईंधन लेने के लिए, तो आज मैं इसने कह रही हूँ कि चल तू उठा के न ले चल। और आपने एक चीज देखा होगा देखा है नहीं देखा है हम आज दोनों सेम स्टॉल पर ओढ़ रहे हैं हाँ हाँ। इंसू का फल उठ रहे पड़े ही टूट छोड़ा सर जागो पड़ी भी है कि मैं लेकर रेत जाड़ांगी रेत झाड़ देगी क्योंकि इस फिर नू हो जाओगे सिर में रेत ना जाओगे सर पक होने तेरे माथ में ले जाएंगी साल तो सारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। ये झाड़ी कुछ इसलिए भी है इसमें जो डंगा है वो निकल जाओगा। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे मस्त मजे में होंगे, हम भी अच्छे हैं मस्त मजे में हाँ। कल कब लोग आपने देखा होगा मौसम बहुत धुमर हो रही थी और पूरे दिन बिल्कुल भी नहीं खुली थी और ठंड भी ज्यादा थी, रात ने शाम तक इतनी तेज हवा चल रही थी बहुत तेज, और मतलब कल पूरे दिन ही चल रही थी जो धूमर थी वो, परसों शाम तक शुरू हुई थी कल शाम ने, और आज सुबह आज का मौसम आपने दिखा दूं कैसा है, धूप निकल रही है बड़ी आले, और धूप निकलते ही आपने बेरा है सब बैठे हैं धूप में, तो ये सारे अपने बैठे हैं यहाँ पे। हम आगे थे स्कूल तक, स्कूल तक हम जल्दी क्यों आ गए थे हमने बताया था एक दिन हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो दो पेपर और रह गए हैं फिर तो क्या पता शायद छुट्टियां ही हो जाएंगी। तो आपने पता है सर्दियों में तो धूप सबने प्यारी लगा है सबने अच्छी लगा है, धूप में बैठना सब चाहे है और धूमर हो जाए तो तुझे भी बड़ा दुख पावा है। वैसे सर्दी तो है सर्दी है लेकिन फिर भी सर्दी बेशक हो लेकिन थोड़ी धूप आ जाए तो थोड़ी जी ना शांति आ जाए क्योंकि फिर धूप में बैठा जाओ तो आराम सा मिला है। और कल तो हम आते ही अपने बढ़ गए थे कमड़ में क्योंकि धूप तो ठीक होनी, तो बाहर रहने का क्या फायदा था, काम अपने बेराए है कुछ है, इस टाइम होता नहीं, शाम का अपना काम हो है, तो मैं तो सो गई थी कल आते ही अपना कमड़ में घुसकर है, तो आज धूप आ गई थी तो हमने सोचे चलो कमड़ में ना घुसना तो आज चलते हैं ऊपर छत के ऊपर। और कल तो धूमर थी तो बाहर कपड़े भी ना सुखाए थे, ये रखे हैं परसों के, और अब धूप आ रही है तो मैंने सोची कि चलो सुखा दे हाँ, तो मैंने अंशु तय कहा है अश्मी ने सुखा दिए हैं अपने जो बट्टा के देवे अश्मी सुखा के अपना बैठ गई, हरी भी अंशु ने भी सुखा दिए हैं, और जानू पूरा रेस्ट करने लग रहा है। जानू क्या कर रहे हो? रेस्ट जानू रेस्ट कर रहा है, जानू का एक पेपर और रह गया ना, एक रह गया ना, और अश्मी के रह गए हैं दो पेपर आज,
28 है, 29 और 30, 31 का संडे है और 1 जनवरी तक शायद हो जाएंगे बालकों की छुट्टी, मेरे हिसाब से शायद हो जाएंगी। अरे वैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आ रहा है कि भाई 1 से 15 जनवरी तक सर्दियों वाली छुट्टी है, विंटर वैकेशन है। भाई अंशु मम्मी कैसा लगेगा छुट्टियाँ हो जाए तो? मजे आ जाएंगे। और हमारी मोंटियर बयान वाली है, उनकी छुट्टी होवेंगी जब आवेंगी, देखो कब आवे हैं और आवेंगे जब आप तो बता देंगे। ये हमारे बहन में मेरी फ्रेंड है, स्कूल की एक मैडम है, तो उनके हस्बैंड जा रहे थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ तक वो प्रसाद लेके आए थे, तो प्रसाद था वो तो मैंने बांट दिया था अपने बालकों तक क्लास में, और ये अखरोट थे वो मैं वहाँ तो आपने पता है फूटे ना थे, तो मैं इन्हें ले आई थी अपने पॉकेट में डाल कर अपने घर ने, तो ये दे दी हूँ इन सोस में ना, ये अपना खा ले आएंगे फोड़ कर नहीं इसने। ऐसे नहीं हो रहा है, मैं करूँ। अरे मैंने देना है 2 करोड़ पता नहीं कैसे दिए आदमी करके, और ऐसे ऐसे थोड़ी ना फूटे ना। यूट्यूब शॉर्ट दिखाया करे ना कि एक हाथ में 2 अखरोट लेकर न यू बीच दे, नहीं होएगा। ओवर कित दम है, बहुत गरीब मानस काम नहीं होगा। आपस में ट्राई कर लो ना, ऐसे मारो धूप सही निकलिया इसे बाहर ने बैठने जोगी, और जब आप उसमें बैठा हाँ तो एकदम ऐसी गर्मी सी भी लागन लाग जावे है। बाकी वीडियो में आपने देख भी लिया होगा, मैं भी धूप में बैठ भी ली थी और बागे हूँ छाया में, छाया मान का कारण के है अपना यो एलर्जी का, क्योंकि जब मैं नीचे वीडियो बना कापती दिखावे थी जब तो कुछ मतलब थोड़ा हा क्लियर सा दिखने लग रहा था, फेस थोड़ा कवर हो जाए, लाइटा मुस्का अलग हो जाए, जाती फेस है बिल्कुल साफ दिखा था, लेकिन अब देखो मेरा पूरा, और आपने इस साइड का फेस थोड़ा दागिल दागिल सा लग रहा है, सोचा जाना कि अपने मुंह धो भी ना रखे, लेकिन ऐसा कोई वो को नहीं, मैं ना धो का सारा काम मैंने चीकना भी लगा रखा है, लेकिन वो इसे कि जो भी जो फुनसी फणसी हुई थी या कुछ दाना सा एलर्जी का होया था, ई उसका जो उसके ऊपर की जो चमड़ी हुआ कर वह उतरना लग रही है, उस थी मेरा यो हाल है। और फिलहाल मन अपना खुद ने मेरा फेस वो बहुत बुंडा लगन लग रहा है, क्या करें ना अपनी रियलिटी आप शीशा में भी ना देख सका, तो वो सुल हो रहा है सास तो मेरे गल, मैंने बहुत अजीब सा लागन लाग रहा है, एक बार अपना कणाते भी दिखाऊं तो। खैर वैसे तो 3 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन धूप है वो बढ़िया वाली आए रही शरीर पापा चाला हाँ नीचे, क्योंकि फिर जाया पाछा वो ही हो जाए कि फिर सर्दी हो जाएगी, जितने ऊपर की धूप लेवांगा उतनी जाया पाछा ठंड भी हो जाएगी, फिर काम वो ही फिर अपना 8-9 बजेगा तो क्या फायदा। चलो तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बता दियो, मिलांगे एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।